नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज सीखेंगे अपुन वर्ग स्क्वायर। किसी भी संख्या का अपने को वर्ग करना हो या निकालना हो तो अपुन क्या करेंगे, उस संख्या को स्वयं से एक बार गुणा कर देंगे। कितनी बार गुणा करेंगे अपुन? एक बार गुणा कर देंगे। यानी जैसे मान लो अपने को एक का वर्ग निकालना है तो अपुन क्या करेंगे, एक को एक से ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे एक का वर्ग निकालना अपने को तो अपुन क्या करेंगे, एक को एक से ही गुणा कर देंगे, यानी स्वयं से गुणा कर देंगे। एक को एक से गुणा किया तो कितना आया, एक। सही। दो को दो का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे अपुन, दो को दो से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। अब इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो घाते जुड़ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात एक, जिसकी घात कुछ नहीं उसकी घात एक, तो एक प्लस एक कितनी हो जाएगी, एक की घात दो। कितनी हो जाएगी, एक की घात दो, या इसको बोल देंगे कि एक की घात दो। यानी एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास एक आएगा। सही। इसी प्रकार इसकी भी घात एक और इसकी भी घात एक, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। एक प्लस एक कितनी हो गई, दो की घात दो हो गई। सही। यानी दो को दो से गुणा किया तो कितना आएगा, चार। इससे अपने को ये फायदा रहेगा कि कभी अपने को दिखेगा दो की घात दो, यानी स्क्वायर, यानी दो का अपने को क्या करना है, वर्ग करना है। किसी की घात जितनी हो, इसकी घात दो बार है तो इसको कितनी बार लिखेंगे अपन, दो बार लिखेंगे। और क्या करेंगे, दो को दो से गुणा करेंगे कितना आएगा, चार आएगा। यानी अपने को तीन बातें एक साथ क्लियर हो जाएगी अपनी। किसी की घात दो दे रखी हो तो यानी इसका वर्ग निकालना अपने को, तो उसको कितनी बार लिखेंगे, उसको दो बार लिखेंगे। और दो को दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चार आता है। यानी दो का वर्ग कितना होगा, चार होगा। यानी अपने इसको शॉर्ट में करेंगे, तीन का वर्ग निकालना है तो तीन को तीन से गुणा कर देंगे, यानी तीन की घात दो। तीन को तीन से गुणा किया तो कितना आएगा, नौ। यानी तीन का वर्ग कितना होता है, नौ होता है। इसी प्रकार चार को चार से गुणा किया या चार की घात दो, तो चार को चार से गुणा करते हैं कितना आएगा, सोलह। यानी चार का वर्ग कितना होता है, सोलह होता है। पांच का निकालना है तो पांच को पांच से गुणा कर देंगे, यानी पांच की घात दो। तो पांच को पांच से गुणा करें तो पचास, पच्चीस। पांच का वर्ग कितना होता है, पच्चीस। इसी प्रकार छह का, छह को छह से गुणा किया है, छह की घात दो। तो छह को छह से गुणा करते हैं तो कितना आया, छत्तीस। यानी छह का वर्ग कितना होता है, छत्तीस। इसी प्रकार अपन सात को सात से गुणा करेंगे तो सात की घात दो। तो सात को सात से गुणा किया तो 49, 49। सही। उनचास। आठ को आठ से गुणा किया तो आठ की घात दो। तो आठ को आठ से गुणा करते हैं कितना आएगा, चौसठ। ये हो जाएगा आठ का वर्ग अपने पास, चौसठ। इसी प्रकार आगे को संख्या इनका अपन निकाल लेंगे। जैसे 9 को 9 से गुणा करेंगे, यानी 9 की घात 2। यानी 9 का वर्ग करना है अपने को, तो 9 का वर्ग कितना हुआ, 81। कितना होगा, 81। अब करते हैं 10 का, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 2। यानी 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा, 100 आएगा अपने पास। कितना आएगा, 100। अब आगे देखते हैं 11 को 11 से गुणा करेंगे, यानी 11 का वर्ग निकालना अपने को। क्या निकालना है, 11 का वर्ग, यानी इसकी घात 11 की घात 2। पावर हो जाएगी 2। अब 11 को 11 से गुणा करें, 10 का पाड़ा तो 10 बार बोल सकते हैं, 9 का पाड़ा 9 बार बोल सकते हैं, और 8 का पाड़ा 8 बार, 7 का पाड़ा 7 बार, 6 का पाड़ा 6 बार। लेकिन 11 का पाड़ा अपन 11 बार नहीं बोल पाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली मैंने आपको गुणा करना सिखा रखा है तो 11 को 11 से गुणा कर लेंगे। ऐसे 11 हासिल लगी 1, 11 और 1 12, यानी 121। तो 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। मैंने कहा था आपको ज्यादा पाड़े आपको याद नहीं करने, 10 तक ही करने हैं। अगर आपको याद ना हो तो, अगर ज्यादा से ज्यादा याद हो जैसे 25 तक 20 तक तो अच्छी बात है, लेकिन कई बच्चों को याद ही नहीं होते, तो आपको याद नहीं होते हैं तो कम से कम कोशिश करिए कि आप 10 तक ही पाड़े याद कर ले, फिर अपन काम चला लेंगे। देखो 11 को 11 से गुणा करना है तो सीधा 11 का पाड़ा मत बोलो, आपको अगर नहीं आता है तो 1 का पाड़ा बोलो, तो 1 बार 1 का पाड़ा एक बार बोलो तो 1 बार। अपन ने 1 बार कर लिया तो 1 क्रॉस। अब वापस 1 का पाड़ा 1 बार, 1 का पाड़ा 1 बार। अब क्या करेंगे, इनको
जोड़ लेंगे एक और एक दो ये एक, ऐसे गुणा कर लो आप सही। इसी प्रकार अगला अपना 12 का निकालना है, तो 12 को क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे यानी 12 की घात 2 सही। अब सिंपली अपन इस तरह कर लेंगे, तो 12 को 12 से गुणा किया तो 2 का पड़ा कितनी बार, दो बार बोला तो 4, दो का पड़ा दो बार, एक बार बोला तो 2, एक का पड़ा दो बार बोला तो 2, और एक का पड़ा एक बार बोला तो 1, ये हो गया 4 और 2 और 2 4 और ये 1, ये हो जाएगा 144, ये हो गया 144 सही। यानी 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। इसी प्रकार 13 का यानी 13 की घात 2, तो 13 का होता है अपन इस तरह कर लेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा आप गुणा करना 13 को 13 से कितना आएगा 169 सही। 14 को 14 से गुणा करेंगे तो 14 को 14 से गुणा किया तो सिंपली आप इस तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके आ जाएगा। या आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं, सीधे ही अपने को गुणा करना हो, जैसे मान लो 14 को 14 से गुणा करना है, क्या करना है 14 को 14 से गुणा करना है, तो आपको थोड़ा सा बड़ा लिख लेना है इसको, 4 को 4 से गुणा करो कितना आया 16, 16 का 6, 16 का 6, 1 को 4 से गुणा किया है, 4 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 4, और इससे को इससे गुणा किया तो कितना आया 4, इन दोनों को जोड़ लिया कितना हो गया अपने पास हो गया ये 8, 8 और 1 ये हो जाएंगे अपने 9, तो यहाँ लिख देंगे अपन 9, और इसको इससे गुणा किया तो कितना हो गया 1 को 1 से गुणा किया तो 1 यानी 196, तो यानी इसको इससे गुणा करेंगे 14 को 14 से तो आएगा अपने पास 196 सही। अब 15 को 15 से गुणा करेंगे यानी 15 का वर्ग, 15 का वर्ग किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो, किसी भी संख्या जिसे शॉर्ट तरीका बताऊं आपको, जैसे अपने पास 15 है तो अपने को 15 का वर्ग निकालना है, इसका वर्ग निकालना है 15 का, इसका अंतिम अंक कितना है 5 है, तो क्या करेंगे 5 को 5 से गुणा किया, 5 को 5 से गुणा किया यानी 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आया 25 आएगा अपने पास, कितना आएगा अपने पास 25। अब देखो एक है 15 का, एक है पहला अंक तो 5 हो गया और दूसरा अंक क्या है अपने पास 1, तो 1 से अधिक यानी 1 के बाद कौन आएगा 2, तो 1 को क्या करेंगे अपन 2 से गुणा कर देंगे, 1 को किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना आया 2, ये हो जाएगा अपने पास 225। या एक उदाहरण और, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि इसका क्या निकालो वर्ग निकालो, तो क्या करेंगे पहला अंक 5 है तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। अब देखो 7 के बाद में कौन आता है 8, यानी 7 को गुणा कर देंगे अपन 8 से, तो 7 8 56, तो 56 को यहाँ लिख दो, ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 का वर्ग। ये सिर्फ उसी संख्या में लागू होगा ये अपने शॉर्ट ट्रिक, जिसमें अंतिम अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब देखो 16 का वर्ग निकालना है अपने को, तो 16 को 16 से गुणा करेंगे यानी 16 की घात 2, इतना बड़ा भी नहीं करना हो आपको तो डायरेक्ट करना हो तो सीधा तरीका है 6 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 36, तो 36 का 6, 36 का 6 यहां से लगेगी 3, 1 को 6 से गुणा करो, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, तो 6 का डबल 12, 12 में क्या जोड़ देंगे अपन 3, तो 12 और 3 15, 15 का 5 ऐसे लग गई 1, तो 1 को 1 से गुणा करते हैं, 1 को 1 से गुणा करते हैं कितना आता है 1, 1 रेख हासिल वाला 1 कितना हो गए 2 हो गए यानी 256। समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं इसको मिटा के, इसमें देखते हैं 17 को 17 से गुणा किया यानी 17 की घात 2, तो शॉर्ट ट्रिक में है पहला अंक है 7, 7 को 7 से गुणा कर दो, 49, तो 49 का 9। अब क्या करो 1 और 7 को क्या करना है गुणा करना है, 1 को 7 से गुणा कर दो कितना आया 7, अब इसके क्या कर दो डबल कर दो यानी 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 14, 14 का 4 यानी 2 आप 4 सही।
और एक को एक से गुणा कर दो, एक को एक से गुणा किया तो एक, और ये जो हासिल है ये इसमें जोड़ा तो कितना हो गया, दो हो जाएगा, यानी चौदह चौदह में से इसको इसका क्या गया, चौदह चौदह और सॉरी चार जोड़ेंगे इसमें हासिल कितना हो जाएगा अपने पास, चौदह और चार अठारह हो जाएगा, कितना हो जाएगा अठारह, अठारह का आठ आएगा और ये दो अपन यहाँ लिख देंगे। सही, सिंपली शॉर्ट करने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए अपने को सीधा सा तरीका, अपने तो सत्रह को क्या करेंगे, सत्रह से सिंपली अपन गुणा कर लेंगे, सात को सात से गुणा किया पचास और सात को एक से गुणा किया तो एक सौ ग्यारह, सात और एक ये हो जाएगा अपना सिंपली। सही, ये तो अपने तब काम आएगा जब अपन कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो अपने को ज्यादा कम समय मिलता है और ज्यादा सवाल करने पड़ते हैं, इस वजह से अपने को शॉर्ट में करना होता है। तो देखो सात को सत्रह से गुणा किया तो दो सौ नवासी, अब अठारह का अठारह को आप अठारह से गुणा करोगे, अठारह को अठारह से गुणा करेंगे अपन तो क्या होगा, इसको लिख लेंगे अपन इस तरह और अपन क्या कर लेंगे सिंपली कर लेंगे, तो कितना आएगा अठारह को अठारह से किया तो चौसठ, चौसठ का चार, आठ को आठ से गया तो एक से गया तो आठ, आठ और छह चौदह, एक को इससे गया तो आठ और एक को इससे गया तो एक, सही ये हो जाएगा अपने पास तीन सौ चौबीस, कितना हो जाएगा तीन सौ चौबीस। सही, अगली संख्या अपने पास उन्नीस, तो उन्नीस को उन्नीस से करेंगे, उन्नीस को उन्नीस से करेंगे यानी उन्नीस की घात दो, इक्यासी, इक्यासी का एक, एक को नौ से गुणा किया तो नौ, नौ का डबल अठारह, अठारह और इक्यासी का आठ कितना हो गया छब्बीस, छब्बीस का छह ऐसे लग गई दो, तो और एक को एक से गुणा किया तो एक, एक और दो तीन यानी तीन सौ इकसठ। सही, अगला अपना बीस को बीस से करेंगे यानी बीस की घात दो आएगा चार सौ आएगा। सही, ये होता है अपने सिंपली वर्ग, इसी प्रकार अपन बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो आपको कम से कम 20 तक तो वर्ग सीधे याद होना चाहिए ताकि आपको आसानी रहे आगे, यहां तक आप उतारें और कमेंट में बताएं 24 का वर्ग कितना होगा। सही, उतारे इसको।